नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। लगभग 11,484 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक नोटिस है वो जारी किया है। उस नोटिस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्या पैटर्न रहेगा इसमें, दोनों पेपर में कितना आपको समय मिलेगा दोस्तों, क्या सिलेबस रहेगा, पुराना वाला पैटर्न रहेगा या नए वाला, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। आपको बता दें दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दोस्तों पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि अपने जिले के रिक्त पदों की सूचना जल्द से जल्द लगभग 7 दिन के अंदर भिजवाने के आदेश दिए हैं। 5 से 7 दिन में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को रिक्त पदों की सूचना है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। इसके बाद दोस्तों RPSC जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाएगा, वो आपकी विज्ञप्ति जारी करेगा और सिलेबस भी इसका दोस्तों जो है थोड़ा बहुत चेंजेस इस बार करने की कोशिश की जा रही है। परीक्षा आपकी जो होगी दोस्तों वो 450 अंक के दो पेपर होंगे। पहला पेपर 150 अंक का होगा, दूसरा पेपर 300 अंक का होगा। इस प्रकार से 450 नंबर का आपका पेपर आएगा। प्रत्येक पेपर में आपको टोटल के 40% स्कोर करना होगा तभी आपको जो है क्वालिफाइड माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो है ऑनलाइन फॉर्म की बात कर लेता हूं, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए आपसे जो सबमिट किए जाएंगे वो इसी सप्ताह या अगले सप्ताह तक, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो है लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों लास्ट तक 2023 के लास्ट तक एग्ज़ाम आयोजित होगी। जो पहला पेपर होगा वो अभ्यर्थना भी भेज दी गई है, अगले सप्ताह तक फर्स्ट ग्रेड की जो अभ्यर्थना है वो जारी होने की संभावना जताई जा रही है। उपेन यादव ने ACS शिक्षा विभाग से मुलाकात की है और जल्द ही जो 11,000 से ज़्यादा पद हैं दोस्तों उनको भरा जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड में सीनियरी सेकेंडरी स्कूलों को जो है प्रमोट करके, जो कक्षा 10वीं के स्कूल थे उनको 12वीं तक प्रमोट कर दिया। तो ऐसे में 3828 स्कूलों में 11,000 से ज़्यादा पद अधिक नए सृजित किए जाएंगे। पहले 6,000 पद थे लेकिन अब दोस्तों 11,000 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। 11,484 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन दोस्तों किया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तुरंत अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।